तो भाई साहब, अगर आपके घर में सीसीटीवी कैमरा है, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर, क्योंकि बहुत लोग ना सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बेडरूम में या फिर किचन में या फिर मेन हॉल में लगा लेते हैं, तो ये चीज की वजह से ना बहुत से नखरे हो रहे हैं। नए तरीके का ब्लैकमेल स्कैम चल रहा मार्केट में और इसके शिकार रिसेंटली एक यूट्यूबर हो गए। तो क्या हुआ, क्या चीज की वजह से और ये कौन सा तरीके का स्कैम चल रहा, ब्लैकमेल चल रहा और इससे कैसा बचना, सब कुछ बात करेंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखो और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो प्लीज एंड तक देखो। तो यहाँ पे जो विक्टिम है उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो नाम है अगर मैं बोल दिया तो फिर से क्रोम पे यहाँ पे सब कुछ जाके आप लोग छान देते और वो वीडियो जो भी है निकालने की कोशिश करते, तो मैं नहीं बोलूंगा। मगर इतना तो बोल सकता हूँ कि ये एक यूट्यूबर है और एज है ना 21 इयर्स ऑफ एज है और ई-स्पोर्ट्स खेलते हैं, मतलब एक गेमिंग चैनल है, इतना ही बोल सकता हूँ इसके आगे नहीं। तो हुआ यूं कि ये भाई साहब ना विक्टिम बन गए। कैसा, ये मतलब अपने घर में हर एक मतलब किचन में, हॉल में, बेडरूम में, हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाए थे। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी अच्छी रखने के लिए, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। मगर ये ना इनके ऊपर ही मतलब भारी पड़ गया, क्योंकि ये जो कैमरा से ये ना हैकर्स इसको हैक कर लिए और हैक करके जो भी चल रहा सब कुछ ना आराम से रिकॉर्ड कर रहे थे, आराम से उसको देख रहे थे। यहाँ पे एक मतलब ऐसा बोल रहे थे कि जो गंदा सीन है, मतलब भाई साहब ना वॉशरूम में से बाहर निकल के आ रहे थे, जो घर में कोई है नहीं तो मतलब बिना कपड़ों के आ गए थे, तो वो पर्टिकुलर चीज को रिकॉर्ड करके इसको सोशल मीडिया पे डाल दिए और इनको भी भेजे। तो भाई साहब जब देखे तो खुद ब खुद शॉक में आ गए, क्योंकि देखो वर्स्ट चीज है अपन सिक्योरिटी के लिए रख लेते हैं, मगर ये ना अपने ऊपर ही भारी पड़ गया। तो ये चीज की वजह से रिसेंटली भैया जी जाके क्या करे, एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट तो लिखा है मगर ये हैकर को ने अभी तक पकड़ा नहीं गया। मगर यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली चीज है कि ये एक खतरनाक ना एक नई तरीके की स्कैम हो गई, नई तरीके का ब्लैकमेल हो गया, क्योंकि ये कोई भी कर सकता अगर हैक कर लिया आपके सीसीटीवी में। अब यहाँ पे मैक्सिमम सिनेरियोस में देखे तो कोई भी ज्यादातर तो घर के अंदर नहीं लगाता, अगर कोई छोटे बच्चे है या फिर कोई पेरेंट्स है जो बाहर काम करने जा रहे तो वो लोग घर में कैमरा लगा के रखते या फिर घर के बाहर ही लगाते, मगर घर के बाहर रहने दो या फिर घर के अंदर, ये जो हैकिंग है इससे बचना बहुत इंपॉर्टेंट आजकल, क्योंकि ये मतलब ना आपको लेके ये वीडियो निकाल के कहीं ना कहीं तरीके से आपको थ्रेटन कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, पैसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये होता वैलिड है ये चीज सब। ओके, तो यहाँ पे ये चीज से बचने के लिए ना दो तीन चीजें करना होश, और ये तो करना ही करना कि ये आपका जो वाईफाई है घर में वो वाईफाई ना आप ज्यादा लोगों को शेयर मत करो, ज्यादा ना उसको लीक मत करो, क्योंकि यही ना एक मेन बेसिक प्राइमरी रूट है ये लोग को घुसने के लिए, कि अगर आपका वाईफाई क्रैक कर लिए तो वाईफाई और ये जो कैमरा है वो कनेक्टेड रहता, क्योंकि ये जो भी कैमरा से ये पूरा सर्वर में मतलब सेव होते रहते, तो ये और ये इंटरलिंक रहता, अगर आपके वाईफाई में घुस गए तो आपके कैमरास पे भी ये लोग को आराम से गेटवे मिल जाता। तो ये पहली प्राइमरी चीज है कि आपका जो भी वाईफाई है ये ना लिमिटेड रखो, घर वालों तक ही रखो और ज्यादातर शेयर मत करो। और इसके अलावा ना जो कैमरा का सर्वर बॉक्स रहता, क्योंकि हर कैमरा इसके मतलब 5-6 कैमरा से उसका एक सर्वर बॉक्स रहता, तो वो सर्वर बॉक्स ना घर के अंदर ही लगाओ, घर के बाहर मत लगाओ, क्योंकि वो दो तरीके से इसको हैक कर सकते। एक ना आजकल जो नए नए सर्वर बॉक्स आ रहे उसमें QR कोड रहता, तो QR कोड स्कैन करे तो आराम से फर्श और इजीली अंदर आ सकते हैं ऐप के अंदर और देख सकते हैं कि कैमरे के आगे क्या हो रहा है। और इसके अलावा जो सेकंड चीज है सर्वर बॉक्स है वो ये है कि यहाँ पे ना आराम से केबल लगा के, जो सर्वर बॉक्स है ना उसमें बहुत से एक्सटेंडेड केबल्स रहते हैं, तो वो लगा के भी फर्श और इजीली आराम से इसको ना हैक कर सकते। तो ये दो तीन चीज है। और यहाँ पे एक बात है कि फर्श और ना बेडरूम में, वॉशरूम में, ऐसे ऐसे जो मतलब एक सेंसिटिव एरिया है वहां पे मत लगाओ कैमरास, और अगर लगा रहे भी अगर मतलब जरूरत है अगर लगा रहे भी तो आप वहां पे जाके ना मतलब कपड़े मत उतारो, न्यूड मत बन जाओ, क्योंकि अगर कोई हैक करा तो पक्का फर्श और आपको इसको लेके ना थ्रेटन करता, ब्लैकमेल करता। अब ये जो सिनेरियो है, जो यूट्यूबर है 21 इयर्स ऑफ एज है भाई सबकी, मतलब एज देखो बहुत छोटी है, ये अगर वायरल ज्यादा हो गया तो ना बदनामी होती है। अब यहाँ पे जो हैकर है वो पकड़ा नहीं गया, मतलब देखो ये खतरनाक चीज है आजकल की AI की दुनिया में, हैकर्स ना ज्यादा जल्दी पकड़े नहीं जा रहे, क्योंकि ये लोग ना नए नए मेथड सीख लिए जिससे बच जा रहे। तो अब ये चीज तो होके है, अगर आपके पास पक्का कैमरा है, सीसीटीवी है, तो पक्का फॉर श्योर ये सब चीज ध्यान में रखो और पक्का जागरूक रहो, क्योंकि ना ये सब कुछ चल रहा है। और किसी को शेयर करना तो कर दो ये वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम नहीं आया दूसरों को आता। तो यही था वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।